हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सोया चंक का एक बिल्कुल नई रेसिपी, जो कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल ही लगेगी खाने में। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कप सोया चंक लिया है। इसे मैंने आधा घंटा पहले पानी में भिगो के रखा था, अभी ये बिल्कुल भीग गया है। अभी हम इसे हाथ से निचोड़ लेते हैं, इस तरह से बिल्कुल ड्राई कर लेंगे। देखिए, इसे एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अभी गैस में हम कढ़ाई रख कर दो टेबलस्पून मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल लिया है। अभी इसे हम फ्राई करेंगे। 1/2 टेबलस्पून नमक डालेंगे इसमें। अच्छे से फ्राई करना है इसे, इसी तरीके से। ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा फ्राई करना है। अभी इसके बाद हमें इसे मैरिनेट करना है। मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून दही लिया है, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर। अच्छे से हमें इसे मिलाना है, हाथ से मिलाएंगे इसे। अभी हम इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन डालेंगे। इसे ढककर हम रख लेंगे 10 मिनट तक। अभी कढ़ाई में हम 1 टेबलस्पून सरसों का तेल लेंगे। उसमें हम जीरा, तेजपत्ता, इलायची और लाल मिर्च और बारीक कटी हुई 1 बड़ा सा प्याज डालेंगे। अच्छे से फ्राई करेंगे हमें इसे। प्याज को बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है, इसी तरीके से। अभी इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छे से हमें इसे फ्राई करना है। देखिए, अब थोड़ा सा पानी डालेंगे हम इसमें। तेल ऊपर आना शुरू हो गया है। अभी इसमें मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 बड़े टमाटर और 1/2 टेबलस्पून नमक। अच्छे से मिला लेंगे हम इसे। देखिए, टमाटर अच्छे से गलने के बाद 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है। अच्छे से मिला देंगे। अभी हमारे ये मसाला अच्छे से रेडी है। अभी जो मैरिनेट किया हुआ हमारा सोया चंक था, हम इसमें डाल लेंगे। अच्छे से मिला लेंगे हम इसे। अच्छे से मिलाने के बाद मैंने यहाँ पे 1 ग्लास पानी लिया है। 5 से 10 मिनट तक इस तरह से पकाना है। अभी देखिए, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। अभी हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। इसका कलर बहुत ही अच्छा आया है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे। ये बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में और बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।